सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, हे छय गोसाईर करी चरण वंद, जहा हईते विघ्न नाश अभीष्ट पुरम। वाञ्छा कल्पतरु भ्रष्ट कृपा सिंधु भैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कलयुग पावन होता है, श्रवण महाप्रभु के अपार कारुण्य से श्री श्री उनके अंतरंग प्रिय पार्षद श्री जीव गोस्वामी पाद जी के विरह तिथि उपलक्ष्य में इस स्मृति सभा का आयोजन है। समस्त संत महंतगण, गुरुजन, पंडित जी महाराज, समस्त मातृवृंदों के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, समय बड़ा अल्प है, लेकिन मैं उपस्थित समस्त जितने भी संत हैं, मातृगण हैं, उनके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा श्री श्री गोराम संस्कृत महाविद्यालय है, आपने देखा होगा, लेकिन विद्यालय तो है, स्मृति सभा तो है, एक दिन स्मरण कर लिया बाकी दिन सारी भूल गए, ये स्थिति तो हमारी नहीं होनी चाहिए। श्रील जीव गोस्वामी पाद जी का स्मृति तभी होगा जब उनके द्वारा रच जितने भी ग्रंथ है और उनके द्वारा रचित श्री श्री हरिनामामृत व्याकरण, अगर हमारे आचार्यों के ग्रंथ में प्रवेश करना है तो हमारा पक्का समझ लीजिए कि हरिनामामृत व्याकरण पढ़ना अवश्य प्रयोग है, इसके बगैर प्रवेश तो असंभव ही है। तो इसलिए हम समस्त जितने भी गुरुजन हैं अपने शिष्यों को बोले कि व्याकरण पढ़े, इतनी माताएं हैं, क्योंकि ये वस्तु एक है, ये तो पारमार्थिक वस्तु है, क्योंकि श्रील जीव गोस्वामी पाद जी ने हरिनाम के द्वारा व्याकरण तैयार किया। अगर बाई चांस कोई हरिनाम ये व्याकरण पढ़ते पढ़ते अगर मर जाए, कभी मृत्यु आ सकती है, लेकिन हमारे पंडित जी ने एक बार बोला था कि अगर पढ़ते पढ़ते अगर मृत्यु हो जाए, लेकिन हरिनामामृत व्याकरण पढ़ते पढ़ते अगर मौत आ जाए तो उसका गति फिर कहां होगा। बावन गोपी राधाभ्यो रूरामी, बावन है, गोपी है, राधा है, इस श्लोक को, इस सूत्र को उच्चारण करते करते अगर किसी के पास मौत आ जाए तो साक्षात हमें तो लगता है वो राधा रानी के दरबार नहीं जाएगा। इसलिए हरिनामामृत व्याकरण पढ़ना अति प्रयोजन है, और हम गारंटी के साथ कहते हैं कि जिसने हरिनामामृत व्याकरण किया है उसको कोई पराजित नहीं कर सकता, न तो ये जगत में न उस जगत में। इसका प्रमाण भी हमारे पंडित जी हैं और भी हमारे विद्वान विद्वान गण हैं, सब हरिनामामृत व्याकरण ही पढ़े हैं, और इस व्याकरण को जिसने पढ़ा है महाराज वो बाकी व्याकरणों के लिए आराम से पढ़ सकता। इसलिए बोले कृष्ण प्राकृतम एक तरह, तो इसलिए हम बार बार निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में आइए पढ़िए, इसलिए खुला हुआ है, कोई पैसा नहीं लगता, एक पैसा भी खर्चा नहीं, लेकिन हम तो यही मूल्यांकन करना चाहते हैं कि आप पढ़िए और आनंद में विभोर हो जाइए, और इसमें हरिनामामृत व्याकरण पढ़ने में कोई उम्र नहीं है कि महाराज कि 10 साल का बच्चा होना चाहिए, 15 साल, कैसा कोई बात नहीं, हमारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं
जिन्होंने एक दो क्लास तक पढ़े हुए हैं, लेकिन इतना उनमें ज्ञान है, हमारा रट्टा मारन श्लोक के श्लोक, अश्लोक के श्लोक, सूत्र के सूत्र, 200-300 सूत्र महाराज एक सांस में बोल दे, ऐसे ही विद्यार्थी हैं हमारे। अभी आपने सुना हमारे कल की दास जी है, पर नया विद्यार्थी, उसने तो कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन आपके सामने देखिए नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जी का पद भी सुनाया, गीता भी सुना, हमें तो एक भी श्लोक याद नहीं है गीता का, उन्होंने सुनाया हमारे हरिदेव दास जी ने, इन्होंने तो स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन देखिए अभी भी हम हमको उनको अगर बोल दें तो कम से कम 50 सूत्र रट्टा मार देगा आपके सामने। और हमारे विद्यालय में ऐसे भी हैं जो 50 साल के भी हैं, 60 साल के भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम जो जान लेते ना, फिर हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, अब हमें कुछ जरूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर शास्त्र पढ़ना है, अगर आस्वादन करना है गोसाई जी के जितने भी ग्रंथ हैं, तो व्याकरण जरूरी है। अब तो बंगानुवाद हो चुके हैं, लेकिन संस्कृत पढ़ के उस श्लोक का एक 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 खंड करके अगर व्याख्या करके आस्वादन किया जाए तो उसका रस अलग ही है। तो इसीलिए हम बार बार निवेदन करते हैं आप समस्त वैष्णव एवं मातृओं के चरणों में कि आपने संतान को व्याकरण पढ़ाई है, नवामृत व्याकरण पढ़ाई है, तो इस जगत में और आध्यात्मिक जगत में कल्याणी होगा और आनंदी मिलेगा, कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ तो हुआ कहां से। ये हम आप लोगों से निवेदन करते हैं। श्रील जीव गोस्वामी पाद जी का स्मृति तिथि है, समय बहुत हो चुका है, तो हमारी वाणी में काफी भूल त्रुटि हो चुकी है, तो आप कृपा करके अपने कोमल हृदय को द्वारा हम मुझे से संतान को आप क्षमा करिए, ये हम निवेदन करते हैं। ये बोल के हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। पुनिताई गौर हरि बोल, श्री जी गोस्वामी पाद की जय, जय श्री राधे। गौरी वैष्णव आचार्य चूड़ामणि नाम महो।